हिंदू भाइयों पर जो सरगोन में हुए दंगे और इन अधर्मियों के द्वारा हुई पत्थरबाजी का मुंह तोड़ जवाब दे। हमारे हिंदू भाइयों के इन पाखंडियों ने घर तक जला दिए, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और हम सब रजिस्टर्ड टीमों से बिलोंग करते हैं, जो कि थाना पे रजिस्टर्ड है हमारे नामों से, हम हमारे क्लब ओन, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसी हीन भावना को प्रतीत किया गया है विधायक महोदय और उनकी समिति द्वारा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में खरगोन हिंसा के बाद से हिंदू बनाम मुस्लिम की आग लगातार फैलती जा रही है और अब इससे क्रिकेट का मैदान भी अछूता नहीं रहा है। जी हाँ, आपने क्रिकेट में कई बार पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान तो सुना होगा, लेकिन कभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें क्रिकेट के खेल से मुस्लिम खिलाड़ियों को बाहर करने के साथ ही बाकायदा मुस्लिमों को बायकॉट करने का ऐलान सड़कों पर किया जा रहा है, डीजे और लाउड स्पीकर से किया जा रहा है। आपको सारे वीडियो दिखाएंगे, पूरी खबर बताएंगे, खबर के अंत तक बने रहिए। बताएंगे कि कैसे बीजेपी विधायक सवालों के घेरे में आ गए हैं, कैसे पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है और मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले खबर की शुरुआत हम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कतर गांव के एक वीडियो से करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक गाड़ी में डीजे और लाउड स्पीकर लगाकर एक संप्रदाय के खिलाफ घृणा फैलाने और जहर घोलने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताते हैं। कतर गांव के समस्त धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि वे कल बाजार न लगाए और अपनी दुकानें भी बंद रहे। हमारे हिंदू भाइयों पर जो खरगोन में हुए दंगे और इन अधर्मियों के द्वारा हुई पत्थरबाजी का मुंह तोड़ जवाब दे। हमारे हिंदू भाइयों के इन पाखंडियों ने घर तक जला दिए, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। मेरे समस्त हिंदू भाइयों, इस बात का ध्यान रखें, भरपूर इनका विरोध करें। मेरी माता बहने इनकी दुकान से सामान। तो ये वीडियो है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के खरगोन के कतर गांव का, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे डीजे और लाउड स्पीकर लगाकर एक गाड़ी से ऐलान किया जा रहा है कि धर्म प्रेमी भाइयों से निवेदन है कि ना ही मुस्लिमों के से कोई सामान खरीदें, ना ही उनको बेचें। इन पाखंडियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। खरगोन में जो भी पत्थरबाजी हुई है उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का ऐलान मध्य प्रदेश की सड़कों पर खुलेआम किया जा रहा है। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब से वायरल हुआ है तब से हंगामा खड़ा हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ खरगोन पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन कितनी कार्रवाई होगी ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी बीजेपी शासित है, जहां पर आपने देखा कि कैसे एक तथाकथित भगवाधारी मुस्लिम महिलाओं की रेप करने की धमकी देता है और 10 दिन में रिहा हो जाता है। तो मुस्लिमों को बायकॉट करने की घोषणा करने वाले पर कितना शिकंजा कसेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि सख्त कार्रवाई न होने की वजह से ऐसे हौसले बुलंद हो रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और उसी की बानगी पेश करता ये वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आया है, जहां पर अभी अभी इतनी बड़ी हिंसा हुई है। शांति कायम कर रखने की अपील की जा रही है, धारा 144 लागू की गई है, उस मध्य प्रदेश का ये हाल हो चुका है। बता दें कि जब कार्रवाई की बात आती है तो कैसे कार्रवाई की जाती है वो तो आप समझते ही हैं। मध्य प्रदेश में कैसे हिंदू बनाम मुस्लिम किया जा रहा है, कैसे खाई पैदा की जा रही है आप जानते हैं। बता दें कि ये एक लौता वीडियो नहीं है, एक और वीडियो है जो कि मध्य प्रदेश से ही सामने आया है, वो वीडियो भी देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि कैसे हिंदू बनाम मुस्लिम से कोई भी सेक्टर, कोई भी इलाका
अछूता नहीं रहा है, फिर चाहे वो खेल का मैदान ही क्यों ना हो। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर इसके पीछे बताते हैं कि किसने साजिश की है। हर चेहरा बेनकाब करेंगे, पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये बताओ, आज आप ज्ञापन देने आए, क्या विषय को लेकर? हम दिया शहर खंडवा क्रिकेट के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, सिटी कोतवाली खंडवा। और इससे पूर्व हमने अभी कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को भी ज्ञापन दे चुका, और ये ज्ञापन है हमारे खंडवा शहर में आयोजित एक प्रतियोगिता है जिसे विधायक कप से संबोधित किया जा रहा है, जो विधायक कप विधायक महोदय के तत्वाधान में चल रहा है। और ये जिमखाना खंडवा ग्राउंड जो है, लेदर ग्राउंड है हमारा, उस पर चल रहा है। उसमें एक इन्होंने विचित्र बात रखी है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी मुस्लिम टीम और मुस्लिम खिलाड़ियों की एंट्री नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस महान खेल में इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो क्रिकेट का भविष्य आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का और मध्य प्रदेश और खंडवा जिले का किधर और जाएगा, किस ओर जाएगा, कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर हमारे शहर के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो खंडवा को प्रेजेंट करते हैं आने वाले आजू बाजू के हमारे स्टेटों में और हमारे अन्य जिलों में, तो हमारा ये घोर विरोध है हम सभी खिलाड़ियों का। हमारे पास जितने हम लोग भाई लोग खड़े हैं, सभी अलग अलग टीमों के कप्तान हैं और खिलाड़ी हैं, और हम सब रजिस्टर्ड टीमों से बिलोंग करते हैं, जो कि जिमखाना पे रजिस्टर्ड है हमारे नामों से, हम हमारे क्लब ओन। उसके बावजूद हमारे साथ ऐसी हीन भावना को प्रतीत किया गया है विधायक महोदय और उनकी समिति द्वारा। बता दें कि ये वीडियो जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा का है, जहां पर भाजपा विधायक देवेंद्र वर्मा पर आरोप लग रहा है कि मुस्लिम खिलाड़ियों को एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट से सिर्फ धर्म के आधार पर बाहर कर दिया गया है। बता दें कि ये जो वीडियो है, इसमें जो भी है वो क्रिकेटर है, वो मुस्लिम है, थाने में पहुंचे हैं शिकायत दर्ज करने के लिए कि उन्हें धर्म के आधार पर, सिर्फ धर्म के आधार पर क्रिकेट के खेल से बाहर किया जा रहा है। और ये सब करने का आरोप विधायक, बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 20 अप्रैल से शुरू हुआ है एक टूर्नामेंट, शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, इसे का नाम है टेनिस बॉल क्रिकेट टीम टूर्नामेंट। इसमें 32 टीमें खेल रही हैं, इसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, लेकिन कैसे हिंदू बना मुस्लिम किया जा रहा है, अब आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। आयोजक का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। सुनिए कि आयोजक कह रहे हैं, आयोजकों में शामिल दिनेश पालीवाल ने बताया है कि कुछ टीमों में मुसलमान खिलाड़ी हैं, उनसे कहा गया कि उन्हें मुस्लिम खिलाड़ियों के बिना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किस लिए कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, आयोजक का कहना है कि जो धर्म विशेष के प्रति गलत भावना फैलाई जा रही है उसके लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान खिलाड़ियों ने 4 साल पहले झगड़ा किया था, इसलिए मुसलमान खिलाड़ियों को बाहर किया जा रहा है। तो ये है मध्य प्रदेश कैसे काम करता है, आप समझ सकते हैं। खरगोन हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार पर आरोप है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिमों पर FIR दर्ज हो रही है। तो वहीं अब ये नया शिगुफा छोड़ा गया है जिसमें बीजेपी विधायक पर आरोप है कि मुस्लिम खिलाड़ियों को बाहर कर रहे हैं। तो वहीं आयोजक खुलेआम कह रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 4 साल पहले झगड़ा हो गया था। तो क्या झगड़ा होने के लिए, हिंसा करने के लिए सिर्फ मुस्लिम आरोपी होते हैं? गृह मंत्री, बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुले मन से कहते हैं कि जो भी मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ है उसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार हैं, उनके घर पत्थरों के ढेर बना देंगे, ऐसी कार्रवाई होती है। आरोप लगता है शिवराज सिंह चौहान की सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है। तो वहीं अब विधायक देवेंद्र वर्मा है जो कि खिलाड़ियों के साथ कैसे, मुस्लिम खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ शांति कायम करने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसा खेल किया जा रहा है, कैसे वीडियो सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, आप अंदाजा लगा सकते हैं। डायरेक्ट कैसे टारगेट किया जा रहा है, डायरेक्ट मुस्लिम खिलाड़ियों को, डायरेक्ट मुस्लिम दुकानों को कैसे टारगेट करने का खेल किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। ऐसे ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, इन खबरों की वानगी पेश करती है, इन खबरों से साफ हो जाता है। अब यहां सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या ये खाका तैयार किया जा रहा है,
और क्या इसी आधार पर देश को विश्व गुरु बनाया जाएगा? इन सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।